जय गुरु जी। मैं पहले थोड़ा अपने बारे में बता दूं, फिर आपको पता चले थोड़ा बैकग्राउंड का, और फिर उसके बाद जो हमारे दर्शन हुए मेरे और मेरे हस्बैंड के गुरु जी के, वो मैं बाद में बताती हूँ। ये 1992 में हमारे मेरे हस्बैंड आर्मी के हैं और 3-स्टार जनरल रिटायर हुए, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार पुरी। मैं अपने बारे में इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, सबको, संगत को, कि मैं, हमारी मुलाकात कैसे हुई, हमारे दर्शन कैसे हुए और कैसे अब तक मैं गुरु जी के दर्शन भी करती हूँ और उनको मानती भी हूँ। तो मेरी ये बड़ी ऑनर की बात है, गर्व की बात है कि मैं आज आप सबसे बातचीत कर रही हूँ और आप संगत को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सक रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आप सबके साथ वर्चुअल मुलाकात हो रही है। तो ले चलती हूँ मैं 1992, हमारी पोस्टिंग हुई जलंधर, और जलंधर हम आए जनवरी के महीने में 1992 में। और जो मेरे हस्बैंड उस टाइम ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर इज 1-स्टार जनरल, और उस टाइम पे जो हमारे से पहले, मेरे हस्बैंड के पहले जो ब्रिगेडियर थे, वो उनकी पोस्टिंग कहीं और आ गई और उनकी वाइफ ने मेरे को, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, उन्होंने मेरे को बताया कि सीतू तुम यहाँ आई हो तो एक गुरु जी है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो कभी तुम्हारा दिल करे तो आप जरूर, या आप मानते हो तो आप जरूर जाके उनको मिलना। तो मैंने थोड़ा और पूछ लिया, मैंने कहा क्या कैसे, तो कहने लगे उनके बेटे ने कोई 4 बार ट्राई किया यूएस जाने के लिए, फ्लाइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, और उनको हमेशा हर बार उदास होना पड़ा क्योंकि उनको परमिशन वीजा नहीं मिला। और फिर वो गुरुजी के पास गए और पता नहीं जैसे कि जादू ही हो गया। और उसके बाद जब उनके बेटे ने अप्लाई किया, ये भी ब्रिगेडियर थे, तो एकदम से उनका वीजा थ्रू हो गया और उनका बेटा यूएस चला गया ट्रेनिंग के लिए। और वो इस बात से बहुत ही शुक्र गुजार थे कि गुरुजी ने उनके लिए ये जो असंभव लग रहा था वो आराम से सारे काम उनके हो गए। तो 1-1.5 महीने में हमने सेटल किया जलंधर में, और सेटल होने के बाद मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड को एक दिन कह दिया कि चलो हम भी जाके गुरुजी से मिलें। तो अब मैं थोड़ा सा ये भी कहूंगी, पता नहीं आप में से कोई आर्मी वाले हैं या डिफेंस वाले हैं या नहीं, तो डिफेंस वाले कुछ कम ही ऐसी चीजों में मानते हैं या ऐसे लोगों में मानते हैं। वो अपनी श्रद्धा से ही, अपने फेथ से ही चलते हैं और कम ही किसी एक मजहब को मानते हैं, सब मजहबों में वो शामिल होते हैं। तो ये कहने लगे नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने भी छोड़ दिया, मैंने पता भी नहीं किया कि कहाँ है, क्या है, कैसे हैं। मैंने कहा चलो छोड़ो, अगर इनको इंटरेस्ट नहीं है मेरे हस्बैंड को तो मैं भी छोड़ देती हूँ। पर मेरी दिल में जैसे कि हमेशा पता नहीं, शायद गुरु जी के साथ कुछ जरूर तारे मिले होंगी, मेरे को तो यही लगता है। तो अब 8-9 महीने निकल गए, ये अक्टूबर का महीना आ गया और हमारी बिटिया
जो दिल्ली में पढ़ रही थी, पूजा हॉलीडेज थे, कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसने हमारे पास आना था। मैं आपको ये बता रही हूँ हमारे दर्शन सबसे पहली बार कैसे हुए, और ये डिटेल में मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उससे आपको पता चले कि हमारा कोई इरादा नहीं था उनसे मिलने का या उनके दर्शन करने का, पर कैसे अचानक ही हो गया। तो ट्रेन से आ रही थी हमारी बिटिया अक्टूबर के महीने में पूजा हॉलीडेज पे, उसकी ट्रेन 9:45 रात को आ रही थी, अकेले आ रही थी, और वो अब 20 साल की थी तो हमें भी फिक्र था कि वो अकेली है और हमें जल्दी पहुंच जाना चाहिए स्टेशन। जलंधर कंटोनमेंट और जलंधर स्टेशन दो अलग अलग जगह हैं, और हम जलंधर कंटोनमेंट में रह रहे थे आर्मी एरिया में। कंटोनमेंट से सिटी जाने के लिए, क्योंकि रेलवे स्टेशन सिटी में था जहां पे ट्रेन में रुकना था, कैंट में भी आती थी पर ये ट्रेन सिटी में ही रुक रही थी, तो सिटी जाने के लिए हमें कम से कम आधा घंटा चाहिए था। और दूसरा ये प्रॉब्लम थी कि रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग थी, उन दिनों में फ्लाईओवर्स नहीं थे, उन दिनों में कोई अंडरपासेस नहीं थे, और रेलवे क्रॉसिंग कभी कभी 5 मिनट में क्लियर हो जाती थी और कभी कभी 50 मिनट में भी नहीं क्लियर होती थी। तो हमें बेफिक्र था कि हमारी बिटिया अकेली आ रही है, रात का समय है, तो हमें जल्दी पहुंच जाना चाहिए, कहीं हम रेलवे क्रॉसिंग, उसको हम फाटक कहते थे, रेलवे फाटक, उधर ना हमारी गाड़ी रुक जाए। तो हम अपने घर से तकरीबन 7:15 पे निकल गए और ट्रेन का अराइवल था 8:45। हमने अपना 1.25 घंटा रख के कि भाई अगर घंटा भी हमें रुकना पड़े तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे। हम रेलवे क्रॉसिंग पे जैसे पहुंचे तकरीबन 5-7 मिनट में, तो फाटक खुला था और हम एकदम से क्लियर हो गए। अब बजे हैं 7:30। मैं टाइम इसलिए बता रही हूँ आप सबको क्योंकि इससे भी आपको पता चले कि हम कैसे और क्या सोच रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे अब तो बहुत टाइम है, 1.25 घंटा है, क्या करना। मैंने कहा मेरा तो एक ही मन है। कहते क्या? मैंने कहा अब हम सिटी आए हैं तो गुरुजी को मिल लें। कहते गुरुजी कैसे? मैंने कहा वही जो मैंने एक बार आपको बताया था, वो जो ब्रिगेडियर आपके पहले थे उन्होंने मुझे कहा था, तो ऐसे मेरा मन कर रहा है कि उनको मिल लें। अब आपके पास टाइम है और कुछ नहीं हम कर रहे। कहते तुमने शॉपिंग नहीं करनी? मैंने कहा नहीं मैंने शॉपिंग नहीं करनी। कहते अच्छा चलो। तो हम पूछने लगे, अब मुझे ये भूल गया है, काफी टाइम हो गया कि वो मॉडल टाउन था कि हाँ मॉडल टाउन था मेरा ख्याल, जहां पे वो रहते थे उतना मुझे पता था। तो कहते कहाँ रहते? मैंने कहा मेरा ख्याल मॉडल टाउन में रहते हैं। तो हम मॉडल टाउन की तरफ चले गए। अब मॉडल टाउन ऐसा है जैसे कि दिल्ली में आप रजौरी गार्डन पहुंच जाओ या आप ग्रेटर कैलाश पहुंच जाओ या आप लाजपत नगर पहुंच जाओ। अब हमें कुछ नहीं पता, ना तो एड्रेस पता है, ना हमें कुछ नहीं, ना तो उनका कोई, तब तो मोबाइल भी नहीं होते थे। तो हम मॉडल टाउन पहुंचे और अंदर सड़कों में घूमने लग गए। उस रात का टाइम था, अंधेरा हो रहा था, तो एक ऐसे ही आदमी हमें मिल गया। हमने पूछा जी हम गुरु जी को ढूंढ रहे हैं। और हैरानगी की बात है, उसने बोला जी आप ऐसे सीधे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, राइट हो जाओ और उसके बाद तीसरा मोड़ ऐसे ले लो। चलो हम चल पड़े। आगे जाके फिर पूछा कि आप गुरु जी हम ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने फिर बता दिया हमें। हमें हैरानगी और हुई कि हम सिर्फ गुरुजी कह रहे हैं, हमें और कुछ नहीं पता उनके बारे में, और लोग हमें बता रहे हैं उनका रास्ता घर पहुंचने का। तो ऐसे पूछ पूछ के हम उनके घर तक पहुंच गए।
तब घर पे जैसे हम पहुंचे, चार स्टेप्स थे, चार स्टेप्स को क्लाइम किया और घर का जो एंट्रेंस था, मैं ये सब डिटेल आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको कुछ विजुअलाइजेशन हो कि कैसे हमने उनके दर्शन किए। तो दरवाजा खुला था, चार स्टेप्स के बाद एक दरवाजा खुला था और सामने एक कॉरिडोर था। कॉरिडोर के दोनों तरफ कमरे थे और हम दरवाजे पे जैसे खड़े हुए तो हमने देखा दो चार चप्पलें वहां पड़ी थी, तो मुझे समझ आ गई कि यहाँ हमने अपने जूते उतारने, हमें कुछ नहीं पता कि किस तरीके से हमने दर्शन करने हैं। तो हमने भी अपने चप्पलें और जूते उतारे, मैंने सिर को अपने चुन्नी डाली और हाथ जोड़ के मैं जब खड़ी हुई तो मैंने देखा कि बेडरूम दिख रहा था मुझे राइट साइड पे और गुरु जी वहां बैठे हैं जमीन पे, बिस्तरे जो चारपाई बेड है उसके साथ ढासना लगा के। तो मैंने एकदम हाथ जोड़ लिए और ऐसे अपना सिर जरा सा झुकाया, जैसे मैंने सिर झुकाया मैं तो एकदम कांप जाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं सीतू अंदर आ जाओ, मेरे हस्बैंड और मैं हैरान, और मैं कहती हूँ एक पल के लिए तो मैं बिल्कुल ही ऐसे थम गई कि इनको कैसे पता चला कि मैं सीतू हूँ। ना तो हमने किसी से बात करी, ना तो कोई प्रोग्राम बनाया, ना तो किसी से कहा। ये तो फाटक खुला था, टाइम मिल गया तो हम आ गए, फाटक ना खुला होता, टाइम ना होता तो हम ना आते। और ऐसे हम पहुंचे हैं और इन्होंने मेरे को अपने नाम से बुला लिया। कोई नाम भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से कोई कह सकता है कि भाई आम नाम है। तो मेरे हस्बैंड और मैं बिल्कुल ही जैसे कि हैरान हो गए और हम बिल्कुल ही, मैं तो अभी भी काम चाहती हूँ जब ये बातें कहती हूँ। तो हम उनके उसी बेडरूम में दर्शन हुए, वो जमीन पे बैठे थे कारपेट के ऊपर, तो हम भी बैठ गए वहां, ये 30 साल पुरानी बात है, तो हम भी नीचे बैठ गए और उनके साथ उनके अपने अपने बारे में हमने बताया कि ऐसे ऐसे हम ये हैं वो हैं। और मैंने उनको बोला, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपको मेरा नाम कैसे आ गया? कहते ले मैं तेरे को जानता नहीं, मैं तो हैरान। और मेरे हस्बैंड का नाम नहीं लिया, मेरे हस्बैंड को पूछा उन्होंने थोड़ा की ना है। ते उसके बाद ऐसी थोड़ी बहुत गल्ला की थी और फिर 8:20 हो गए और मैंने फिर अपने हस्बैंड को ऐसे जरा सा कुनी मार के कहा कि चलो चले, अब टाइम हो गया हमारी बिटिया का। तो इन्होंने कहा गुरुजी हमारी बिटिया आ रही है तो हम चले। कहते कहां से आ रही? दिल्ली से आ रही। कहां पे? स्टेशन पे आ रही है, ऐसे ऐसे ये ट्रेन है। कहते कितने बजे ट्रेन है? तो इन्होंने कहा 9:45 ट्रेन है। कहते ट्रेन तो लेट है, बैठे रहो। 8:20 हो गया, हम बैठ गए चुप करके और 5 मिनट के बाद मैंने कहा गुरुजी अब तो हमें जाने दो, हम चले। कहते नहीं नहीं, मैंने कह दिया ट्रेन लेट है, बैठे रहो। फिर बैठ के 5 मिनट और, अब 8:30 हो गए, 8:35 हो गए। तो अब हमारे को बिल्कुल ही बेचैनी हो गई कि ये तो कह रहे हैं कि ट्रेन लेट है, पर अगर ट्रेन लेट ना हुई तो हमारी बिटिया तो घबरा जाएगी। तो हमने फिर उनसे कहा कि अब हम चलते हैं कि बिटिया अकेली आ रही है और बिल्कुल जलंधर पहली बार आ रही है तो हम लेट नहीं होना चाहते हैं। कहते अच्छा तो सी जाओ, पर ट्रेन पे लेट है और वो 9:15 आएगी। ये भी उन्होंने कह दिया कि 9:15 आएगी। तो हम निकले वहां से और इन्होंने बड़ी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई और हम स्टेशन पे 9:48 पे पहुंच गए।
मैं टाइम आपको इसलिए बता रही हूँ, हमने कहा चलो 2 मिनट लेट है कोई बात नहीं, जैसे वो अपना सूटकेस निकाल के बाहर आएगी हम पहुंच जाएंगे। और हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो कोई ट्रेन नहीं, कुछ नहीं, हमें बताया गया कि ट्रेन 15 मिनट लेट है, 9 बजे आ रही है। चलो हमने कहा ठीक है, हम वहां खड़े रहे, 9 बज गए, 9:05 हो गए और ट्रेन का कोई पता नहीं, 9:10 हो गए और फिर हमें कहते हैं कि ट्रेन अब आएगी, आने वाली। ट्रेन पूरे 9:13 पे दूर से दिखाई दी और जैसे वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई 9:14 हो गया। चलती 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 जब वो रुकी, मैंने घड़ी देखी उस टाइम पे और स्टेशन की घड़ी, प्लेटफॉर्म की घड़ी देखी, 9:15 बजे थे, 9:15, और ट्रेन उसी 9:15 पे रुकी। मैं इससे मेरा जो फेथ है कि ये गुरुजी ने तो कमाल ही कर दिया, कैसे बता दिया हमारे को कि 9:15 आएगी और 9:15 ऐसे टिच जाके ट्रेन रुकी। बिटिया को हमने ले और चल पड़े। तो नेचुरली उसके बाद गुरुजी तो मैं कहती हूँ, मैं तो उनके बारे में कितना सोचती रही और मेरा जो फेथ है वो और बढ़ गया। उसके बाद मैं अपनी बिटिया को भी लेके गई उनके पास और उन्होंने मेरे को एक बात कह दी। अभी अक्टूबर का महीना है, मेरे हस्बैंड की प्रमोशन के रिजल्ट्स आने थे दिसंबर में, तो मेरे को कहते हैं कि सीतू तू कोई व्रत रखती है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं संतोषी माँ का व्रत रखती हूँ। कहते तू सोमवार का व्रत रख। मैंने कहा अच्छा जी, आप कहते हो तो मैं सोमवार का रखती हूँ। तो मैंने उस दिन से सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया और अपना संतोषी माँ का भी रखती थी। फिर हमारी जो रेजिमेंट थी वहां पे, ये भी मैं बताना चाहूंगी कि एक लेडी थी कैप्टन की वाइफ, उसके 7 साल हो गए थे शादी को और उसने मेरे को एक दिन ऐसी कहा, मैंने ऐसी पता किया, हम लोग ना आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं लेडीज क्लब में और वैसे, तो मुझे उनके कमांडिंग ऑफिसर ने बताया, उसकी वाइफ ने बताया कि इसने इसको 7 साल हो गए हैं और इसको बच्चा नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा तुम एक, मैं अगर आपको एक गुरुजी के पास ले जाऊं तो आप चलोगे? कहती हाँ जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं उसको गुरुजी के पास ले गई और बिल्कुल ही आई थिंक 1 या 2 महीने बाद मेरे को खबर मिली कि शी इज प्रेग्नेंट एंड कैरिंग, और बड़ी खुशी हुई मुझे। मैं 10 साल के बाद उसको जब मिली तो मुझे कहती है, मिलने आई, मेरे पैर पड़ गई और कहती है आपके कारण मुझे बेटा मिला। उसके बाद एक और लेडी थी, उसको भी ऐसे ही यही प्रॉब्लम थी और मैं उसको ले गई गुरुजी के पास, उसके साथ भी यही सक्सेस स्टोरी हुई। गुरुजी ने उसको उनको ब्लेस किया जो भी अपनी, और उसको भी बच्चा ऐसे हो गया। फिर मेरा भाई और भाभी वो आए हमारे पास, उनको किसी ने बता दिया, हालांकि मैंने नहीं कभी बोला, उनको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं यहाँ पे जलंधर में। और मेरी भाभी को MS था, MS is multiple sclerosis, तो वो आई और कहती मैंने गुरुजी को मिलना, तो मैं उनको भी ले गई और वो आज तक, ये 92 की बात है, वो आज तक ठीक है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस उनको काफी बुरी तरीके से था पर वो आज तक ठीक है और सब कुछ उसके साथ ठीक है। अब ये रही 92 की बात। मेरे हस्बैंड को प्रमोशन मिली इन दिसंबर, वो मेजर जनरल बन के दिल्ली आए। और मैं इसलिए बता रही हूं कि इसमें भी गुरुजी के जरूर
श्रद्धा होगी, उन्होंने जरूर हमारे को ब्लेसिंग्स दी होंगी, क्योंकि कितने आई थिंक अबाउट 60 or 70 कोर्समेट्स होते हैं, उनमें से सिर्फ 5 जनों को मेजर जनरल का रैंक मिला और हम दिल्ली आए। दिल्ली में बस ऐसे ही टाइम अपना निकाल के फिर बाकी भी हमारी पोस्टिंग्स हुई और 97 में मेरे हस्बैंड लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। 99 में हम दिल्ली आए पोस्टिंग पे, मेरे हस्बैंड आए डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स के DGBR बन के। और ये किस्सा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उनका बर्थडे था 9 सितंबर को। तो ऐसे बर्थडे पार्टी पे हमने अब कुछ फ्रेंड्स बुलाए हुए थे और हमारे कोई बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे, उनकी वाइफ मेरे को कहने लगी, सीतू तुम दिल्ली में आई हुई हो और तुम गुरुजी को नहीं मिले। मैंने कहा गुरुजी कौन कैसे? कहती वही गुरुजी, वो तुमको याद कर रहे थे। मैंने कहा जलंधर वाले गुरुजी? कहती हाँ, तुम गई क्यों नहीं मिलने? मैंने कहा तुम कैसे जानती हो? कहती मैं तो जाती रहती हूँ उधर। तो मैंने कहा वो दिल्ली में थोड़ी, वो तो जलंधर में है। कहती नहीं, वो तो दिल्ली में आए हुए हैं, यहाँ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में के पीछे उनका है वो। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। कहती वो तो तुमको याद कर रहे हैं। मैं हैरान कि मेरे को कैसे याद किया। कहती वो कह रहे थे कि उनकी पोस्टिंग दिल्ली आ गई और वो मेरे को मिलने नहीं आई। ये 9th of September है। 10th of September मेरे हस्बैंड गए ऑफिस और इनको थोड़ी चेस्ट के ऊपर स्वेलिंग थी। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट किए 10th September को और 1 बजे मुझे डॉक्टर से फोन आता है कि योर हस्बैंड इज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। मैं तो बिल्कुल ही हिल गई और बड़ी घबराई में। सर्जरी हो गई, मेरे बच्चे दोनों अब्रॉड थे अमेरिका में। दिस इज इन 2001 सितंबर, जब वो ट्विन टावर्स न्यूयॉर्क में डैमेज हुए विद दी एयरक्राफ्ट्स, टेररिस्ट एयरक्राफ्ट्स। तो दोनों बच्चे नहीं आ पाए, सर्जरी हो गई 14 सितंबर को और दोनों बच्चे नहीं आ पाए बिकॉज ऑल फ्लाइट्स वर कैंसल्ड। फिर मेरा बेटा आया जब फ्लाइट्स रिज्यूम हुई और मेरे दिल में ये था कि गुरुजी को जाके जरूर मिलना है, उन्होंने याद किया है। तो बेटे को लेके, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कीमोथेरेपी हो रही थी और उनको मना किया था कि कहीं संगत में नहीं जाना, कहीं क्राउडेड एरियाज में नहीं जाना, तो मैं बेटे को ले साथ में लिया। बेटा वाज आल्सो विद द सेम थॉट्स जैसे मेरे हस्बैंड के थे, वो भी नेचुरली मॉडर्न डे टाइम जैसे बच्चे होते हैं। कहते मम्मा आप किस बातों में बिलीव करते हो? मैंने कहा चलो तो सही। कहते क्यों? मैंने कहा ठीक है बेटे, मेरा फेथ है, चलो। तो हम गए वहां पे, मैं भी वहां एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में, मेरे को नहीं पता कहाँ रहते थे। वहां पे हम पहुंचे तो उधर से पूछ पूछ के, तब तक तो उनकी काफी संगत बढ़ गई थी, तो हमें बता दिया और तब हम पूरी गाड़ी लेके उनके घर तक पहुंच गए जहां पे वो दर्शन दिया करते थे। जैसे मैंने उस घर में घुसी हूं, वो अपने कुर्सी पे बैठे थे, दूर से उन्होंने देखा मुझे, कहते सीतू अब तू आई है ना, तेरे को तकलीफ हुई है। मैं एकदम हैरान, मैंने कहा देखो इनको कैसे पता चल गया सब कुछ। कहते तू कल ही क्यों आई है? फिर मैं उनके पास गई, मैंने प्रणाम किया उनको, मैंने कहा जी वो नहीं आ सकते हैं, वो उनको डॉक्टर ने मना किया है
क्योंकि उनको कीमोथेरेपी हो रही है और उनको मना किया है कि भरी संगत में कहीं नहीं जाना। कहते अच्छा तू ऐसे कर, एक लोटा तांबे का लिया और अच्छे से मांझ के साफ करके बस तू वो ले। तो उस दिन मैं बैठी, हमें बोला प्रसाद खा के जाओ। सबको नहीं कहते थे, किसी किसी को कहते थे प्रसाद खा के जाओ। और वो मानी हुई बात थी कि वो पहचानते थे कि जो उनको मानते हैं और उन्हीं को वो कहते थे खा के जाओ। बाकी लोग आके माथा टेक के चले जाते थे, पर सबको नहीं वो कहते थे, ये मैं कह सकती। तो जब मुझे कहा कि आप प्रसाद खा के जाओ, तो मुझे वो बाकी लोग कहने लगे कि आप तो बड़े, पहली बार आपको देखा है और आपको इतना उन्होंने प्रसाद बोला है खा के जाओ। तो वहां पे खाने का तो भंडार हमेशा होता था, पूरा खाना खाया और फिर मैं आ गई। और फिर एक दो तीन दिन के बाद मैंने फिर वो अपना तांबे का जग लिया और लेके मैं उनके पास फिर से गई। तब मेरे बेटे ने फिर बोला, मामा आप फिर जा रहे हो, क्यों? आप देखते हो कि वहां इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप क्यों मानते हो उनको? वो सिर्फ बड़े लोगों को मानते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बात फिर जब मेरे बेटे ने कही तो मुझे थोड़ा सा लगा। तो मैं जब उनके पास गई, मैंने कहा ठीक है, मेरा उनके साथ पता नहीं कुछ जरूरी बड़ा ही कोई पर्सनल कनेक्शन होगा, क्योंकि जब मैं गई वो जग लेके, तो जैसे उनके पास गई कहते ऐसे बैठ जा। तो वो बैठे थे अपनी कुर्सी पे और मैं उनके पास कुर्सी पे बैठ, कुर्सी के साथ ही नीचे बैठ गई। और मेरे को कहते मेरे पैर घुट, तो मैंने पैर दबाए। जब मैं पैर दबा रही थी तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अब तो मौका है मैं पूछ लू। मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा कह रहा है कि आप सिर्फ जो लोग ऊंची ऊंची पदवी पे हैं उनको बुलाते हो। कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उनको जरूर बुलाता हूं जो मेरे में फेथ रखते हैं, पर ये जो लोग हैं ये आगे लोगों को बताएंगे। अब मैं इसमें, फिर मैंने अपने बेटे को समझाया, मैंने कहा बेटा कोई रास्ते पे चलता हो और कहे जी हम गुरुजी को मानते हैं तो आप नहीं उसकी बात मानोगे, पर जिसको आप कुछ मानते हो कि हाँ ये सोसाइटी में कुछ है या ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो जो अपने आप इतनी ऊंची पदवी पर पहुंच के और किसी और को मान रहे हैं, तो जरूर उसमें कुछ होगा। तो ये बात मैंने फिर अपने बेटे को समझाई, मैंने कहा बेटा ये ऐसी बात है कि बड़े बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं पर सबको नहीं ये उसी मन से ब्लेसिंग्स देते हैं जैसे कि हमें मिली है। और एक तो फेथ है, श्रद्धा है हमारी और फेथ है, और दूसरा ठीक है अगर हम इस इनके गुरुजी के बारे में बात करेंगे तो हमारी बात लोग मानेंगे, क्योंकि अब आपके जो फादर है वो इतनी पदवी पे पहुंचे हुए हैं, 3-star general बन के पहुंचे हुए हैं, और आप ये भी बात मान लो कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुम सोमवार का व्रत रखो। मैं 92 अक्टूबर से सोमवार का व्रत रख रही हूं और सारे आर्मी नेवी एयरफोर्स में 3 lieutenant general बने हैं, आर्मी का एक ही बना इनके कोर्स का और नेवी का भी एक ही और एयरफोर्स का भी एक ही। और मेरे हस्बैंड 3 courses आप मान लो, उनमें से एक मेरे हस्बैंड ही लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, जो हाईएस्ट रैंक है आर्मी का 3-star general। तो ये बात हुई 2000
एक में, और उस दिन से वो जो जग मैं लेके गई थी तांबे का, उन्होंने मेरे को बताया कि इसमें तुम रात को पानी भरो और सुबह इनको बोलो ये पानी पीने के लिए, और ये इन्होंने शुरू कर दिया वो पानी पीना। और मेरा ख्याल 3 या 4 साल में ही वॉज डिक्लेयर्ड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कैंसर। 4 या 5 साल होंगे टोटली फ्री ऑफ कैंसर। और 2017 तक मैं कहती हूँ इन्होंने इतना, माय हस्बैंड ने इतना अच्छी जिंदगी फिट और एब्सोल्युटली हेल्दी तरीके से ही वॉज लिविंग। और सो मच सो के पहले ये अपना चेकअप्स कराते थे, फिर ये इन्होंने चेकअप्स भी 2015 से बंद कर दिए करवाना कि भाई अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब इतने साल हो गए अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर 2017 में इनको कोलन कैंसर हुआ, और इनका जब डायग्नोसिस हुआ तो 4th स्टेज था, और मुझे कहा गया था कि ये 2 साल से ज्यादा नहीं जी सकेंगे। उस टाइम पे मुझे नहीं ख्याल आया कि मैं फिर से जाऊं गुरुजी के पास। वो ट्रीटमेंट शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गया, कीमोथेरेपी शुरू हो गई, सब कुछ, हम तो उसी चक्कर में पड़ गए। 2 कीमोथेरेपी 12 हो गई, उसके बाद पेट स्कैन किया, कहते हैं हाँ अभी भी थोड़ा सा है पर आप थोड़ा रेस्ट ले लो। फिर ट्रीटमेंट शुरू हो गई 2 महीने के बाद, फिर पेट स्कैन किया, फिर उन्होंने कहा नहीं आप 1 महीने का रेस्ट ले लो, फिर से स्टार्ट कर दिया। फिर जाके सितंबर में मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे को बोला आंटी आप गुरुजी के पास नहीं गए, और उस फ्रेंड की बेटी को मैं लेके गई थी गुरुजी के पास, और वो एकदम भक्त बन गई थी, और मैं पता नहीं कैसे भूल ही गई गुरुजी को। और उसने मेरे को कहा आंटी आप तो मुझे लेके गए थे गुरुजी के पास, आप अंकल के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को कहा चलो चले। तो अब हमने सब तरीके देख लिए हैं, और सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि 4th स्टेज में बड़ा मुश्किल है। तो हम गुरुजी के पास गए, दिस इज इन 2018 दिसंबर। और उसके बाद जब हमने पेट स्कैन किया तो पेट स्कैन फॉर द फर्स्ट टाइम 2 साल के बाद एब्सोल्यूटली क्लियर। और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे न्यूरो साइंसेस के इन आर्टेमिस, वो हैरान, कहती है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी का पेट स्कैन इतना क्लियर हो जाए। और ये मैं कहती हूँ कि हम गुरुजी के दर्शन करके आए थे, उनका प्रसाद चखा था, उधर बैठे थे, उनके उनकी ब्लेसिंग्स ली थी, कुछ तो जादू हुआ है, और पेट स्कैन बिल्कुल ही क्लियर। उसके बाद फिर डॉक्टरों ने कह दिया अब ठीक है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, हमने भी लाइफ नॉर्मल लेना शुरू कर दिया। और मैं कहती हूँ फिर मैं भूल गई कि गुरुजी हैं और गुरुजी के पास जाना चाहिए। फिर हमने जब दोबारा 4 महीने के बाद पेट स्कैन किया तो फिर वो आ गया था, पेट स्कैन वाज नॉट पॉजिटिव, इट शोड इंफेक्शन हैड स्प्रेड अगेन। बस उसके 8-10 महीने बाद मेरे हस्बैंड भगवान के पास चले गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा फेथ गुरुजी के साथ है और गुरुजी के पास है, और
मेरे हस्बैंड को कोई तकलीफ नहीं हुई. ही हैड अ वेरी कंफर्टेबल टाइम थ्रू आउट हिज इलनेस. गुरुजी ने उनको बुला लिया कि उनको तकलीफ ना हो, और मेरा ख्याल वो वहीं चले गए उनके पास. 2019 में दिसंबर has gone to Guruji, gone to the Supreme Being. मैं आज तक हर रोज हर सुबह जब मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं तो Guruji को जरूर याद करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ और उनसे यही दुआ करती हूँ कि बस आपका हाथ हमारे पे रहे. सब संगत को, सारी संगत को देखभाल करते रहो और आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे. जय गुरु जी.